नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिलिप्स 5.1 होम थिएटर का रिव्यू, जिसका मॉडल नंबर है SPA 5190B। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको इसको लेना चाहिए, और हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी कमियाँ हैं, और बाद में फाइनल एज यूजल जैसे हम आपको हर बार बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम आपको वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स बता दूं। ये प्रोडक्ट आता है 8190 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ, लेकिन ये आपको मिल जाता है ऑनलाइन 7000 रुपीज़ के करीब। ऑफलाइन स्टोर से भी आपको अप्रॉक्सीमेटली इसी कॉस्ट में ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस प्रोडक्ट की जो आउटपुट है वो है 90 वोल्ट या 9000 PMPO। इसमें आपको मिलते हैं 5 सैटेलाइट स्पीकर्स, जिनमें से एक की आउटपुट होती है 13 वोल्ट। सबवूफर और 5 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलके टोटल आउटपुट देते हैं आपको 9000 PMPO की। तो अभी हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये डिवाइस ऑलमोस्ट हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। आप इसको अपने टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ, गेमिंग कंसोल के साथ, डीवीडी के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ भी, जिसकी मदद से आप किसी भी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो इनके सैटेलाइट स्पीकर्स हैं उन पे है प्रोटेक्शन ग्रिल, जो बहुत ही अच्छी बात होती है, जिनसे क्या होता है कि आपका जो स्पीकर का कोन होता है वो बचा रहता है। मोस्टली मैंने बहुत सारे स्पीकर्स देखे हैं जिन पे प्रोटेक्शन ग्रिल नहीं आती है, तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आपको ऐसे स्पीकर्स लेने चाहिए जिन पे क्योंकि कई बार गलती से हम अगर कोन को डैमेज कर देते हैं तो स्पीकर की आउटपुट ख़राब हो जाती है। तो अगर प्रोटेक्शन ग्रिल हो तो ऐसे एक्सीडेंट्स होने के कम चांसेस होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रोटेक्शन ग्रिल है। तो इनकी जो वायर है, जो दो रेयर स्पीकर्स होंगे उनके साथ आएगी 5 मीटर की वायर, और जो स्पीकर्स होंगे उनके साथ अप्रोक्सीमेटली आएगी 3 मीटर की वायर। तो यहाँ पे अगर आप सराउंडिंग साउंड बनाना चाहते हो अपने रूम में तो आपको एक्सटेंशन वायर्स खरीदनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। यहाँ पे इस पे आती है एक डिस्प्ले, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस पे क्या चल रहा है, कौन सा आपने मोड सेलेक्ट करना है। इस पे आते हैं 4 तरह के अलग अलग मोड, जिसमें होते हैं एक्सिलरी मोड, डीवीडी मोड होता है, ब्लूटूथ मोड होता है, और एफएम मोड है, जिससे आप अपने एफएम को अनेबल कर सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इसमें एफएम भी है। अगर आप रेडियो बहुत सुनते हो तो आप बिना किसी डिवाइस की मदद से इस पे एफएम चला सकते हो। जो इसका मटेरियल है स्पीकर्स का वो है वुड, बहुत ही अच्छे और सॉलिड स्पीकर्स हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए, ये तो होगी डिटेल्स, अभी हम करते हैं इसको अनबॉक्स। तो ये रहा हमारा होम थिएटर। इसमें जो सबसे पहले ऊपर आपको रिमोट दिख रहा है, यूज़र मैनुअल दिख रहा है, और साथ में आपको दिख रहे हैं 5 सैटेलाइट स्पीकर्स। तो ये है सबसे पहले रिमोट। साइज़ में बहुत छोटा है, लेकिन स्पीकर के हिसाब से ठीक है, बहुत लाइट वेट है। तो ये है हमारे स्पीकर, ऐसे 5 है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको सामने मिल जाता है प्रोटेक्शन ग्रिल और फिलिप्स का लोगो। ये साइड व्यू है। यहाँ पे ये है इसकी केबल, फ्रंट स्पीकर है तो इसकी केबल है अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर की। तो ऐसे हम 5 हैं, तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ सारे। तो यहाँ पे इसके साथ है यूजर मैनुअल। तो ये 2 केबल्स मिल रही हैं इसके साथ, एक एंटीना केबल है और एक 2 RCA केबल है। ये एंटीना केबल है और ये है 2 RCA केबल। तो चलिए अब हम अपनी मेन यूनिट सबवूफर को निकालते हैं। ये बहुत हैवी है वेट में। यहाँ सामने की तरफ यहाँ पे एयर आउट का एक यहाँ पे आपको मिलता है एक USB पोर्ट और SD कार्ड स्लॉट। साइड में ये है 6 इंच सबवूफर। ये इसका साइड व्यू, दूसरा साइड। यहाँ पे
इसका रियर व्यू। यहाँ पीछे आपको मिलता है एक एंटीना पोर्ट, यहाँ पे ये आप एंटीना केबल लगाओगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्सिलरी इनपुट और नीचे आपको मिल रहा है डीवीडी इनपुट। यहाँ पे नीचे है स्पीकर्स आउटपुट, यहाँ पे आप अपने सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करोगे। यहाँ पे नीचे आपको मिलता है एक ऑन ऑफ स्विच, दैट इज इट, पीछे हमारे पास यही है। तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप। यहाँ पे आपको मिलता है एक सबवूफर, 5 सैटेलाइट स्पीकर्स, एक रिमोट, एक एफएम एंटीना और एक 2 RC केबल। तो यहाँ स्पीकर के ऊपर कुछ स्विचेस हैं, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है प्ले पॉज बटन, नेक्स्ट है आपके पास सोर्स, यहाँ पे आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एक्सिलरी मोड, DVD मोड, ब्लूटूथ मोड, FM मोड, आप इसकी मदद से सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ट्रैक या फॉरवर्ड फाइन ट्यून के लिए बटन है। नेक्स्ट आपको मिलता है वॉल्यूम डाउन बटन और उसके बाद आपको मिलता है वॉल्यूम अप बटन, यहाँ से एयर आउट होगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे आप अपना FM एंटीना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सिलरी इनपुट या DVD इनपुट लगाओगे आप, यहाँ से आप ऑन ऑफ करोगे। यहाँ पे हम स्पीकर्स आउटपुट लगाएंगे, आप डायरेक्टली फ्रंट से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जो प्ले पॉज बटन है उसको 10 सेकेंड के लिए अगर आप प्रेस करके रखोगे तो ये ऑफ हो जाता है। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं अपने स्पीकर्स। तो यहाँ पे हर स्पीकर के पीछे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे FR का मतलब है फ्रंट राइट, जिसका मतलब है कि ये राइट साइड का स्पीकर है जो फ्रंट पे लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको FR लिखा हुआ मिलेगा, आपने सिर्फ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसी तरह ये नेक्स्ट स्पीकर है, तो इसके पीछे हम देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है RL means rear left, यहाँ पे पीछे की ओर लेफ्ट साइड का ये स्पीकर है जिसकी वायर है 5 मीटर की। अगर आपका रूम बड़ा है तो आपको एक्सटेंशन वायर खींचनी पड़ेगी। तो ऐसे ही करके हर स्पीकर के पीछे लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही कनेक्ट कर लेना अपने स्पीकर्स को। तो मैं जल्दी से इन स्पीकर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने स्पीकर्स को कनेक्ट कर लिया है, अभी हम करते हैं इनको स्विच ऑन। यहाँ पे हम इस बटन को प्रेस करते हैं इसको ऑन करने के लिए। नेक्स्ट सोर्स बटन को सेलेक्ट करके मैंने ब्लूटूथ मोड सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अभी प्ले करके बताता हूँ आपको कुछ म्यूज़िक।
बात करूं तो बहुत अच्छी साउंड है, क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है इस पर। हर तरह का म्यूज़िक आप इस पर सुन सकते हो। जैसे कुछ सैंपल्स आपने सुने तो शायद आपको इनकी साउंड का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप पास में से इनको सुनोगे तो आपको पता चलेगा इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे फीचर्स इसके बता दिए हैं जो जो इसमें है। तो अभी मैं इसकी कुछ कमियाँ बताता हूँ आपको। जैसे पहली कमी है, वायर्स बहुत छोटी हैं। जैसे अगर आप सराउंडिंग साउंड बनाना चाहते हो अपने रूम में तो आपको एक्सटेंशन वायर खरीदनी पड़ेगी। जब आप इनकी साउंड बहुत ज़्यादा करते हो, फुल वॉल्यूम पे करते हो, तो कुछ हद तक साउंड डिस्टॉर्ट होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती। अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कहें तो अगर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है 6000 के करीब में, अगर ऑनलाइन डिस्काउंट में आपको ये मिलता है प्रोडक्ट 6000 के करीब, तो ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जैसे इसका MRP है या ये जो अभी अवेलेबल है 7000 के करीब, ये वैल्यू फॉर मनी हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ और फीचर्स जो मुझे अच्छे लगे, जैसे प्रोडक्शन ग्रिल है जिससे ये ज़्यादा देर चलेंगे स्पीकर। यूजली क्या होता है, जिन स्पीकर के ऊपर प्रोटेक्शन ग्रिल नहीं होती है उन पे डस्ट ज़्यादा जमती है, और उनको ज़रा ध्यान से भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ उन पे लग गई तो स्पीकर कौन ख़राब हो सकता है। यहाँ पे आप इन स्पीकर्स को ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आउटपुट 90 वोट है। आपको अपनी नीड देखनी पड़ेगी कितनी है। अगर आपका रूम स्टैंडर्ड साइज़ का है तो ये स्पीकर की साउंड बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप इनको लगाना चाहते हो बहुत बड़े हॉल में तो यहाँ पे इनकी आउटपुट शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड साइज़ रूम के लिए इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। इस बजट में ये स्पीकर बहुत अच्छे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।